हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान के ढोलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मोठियापुरा में कक्षा 6 की 8 छात्राएं जहरीला खाना खाने से बीमार हो गई हैं। विद्यालय प्रशासन ने तबियत खराब होने पर इन छात्राओं को सरमथुरा CHC में भर्ती कराया है, लेकिन 3 छात्राओं के पेट में अधिक दर्द होने पर उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सायंकाल विद्यालय में दाल रोटी अरबी की सब्जी सलाद आदि छात्राओं को परोसा गया था। खाना खाने के कुछ देर बाद छात्राओं की तबीयत खराब होने लगी और छात्राओं ने स्कूल शिक्षकों से पेट दर्द की शिकायत की, तो पीड़ित सभी छात्राओं को सरमथुरा CHC पर उपचार हेतु लाया गया, जहाँ सामान्य स्थिति बताकर छात्राएं वापिस छात्रावास भेज दिया गया। लेकिन छात्राओं को पेट दर्द से राहत नहीं मिली तो गुरुवार सुबह फिर से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने 8 छात्राओं को उपचार के लिए जनरल वार्ड में भर्ती कर लिया। इन छात्राओं में से पूजा, सबीना और ललिता की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जबकि छात्रा रामकेशी, ज्योति, दुर्गेश, गीता और उत्तरा का इलाज सरमथुरा CHC पर जारी था। क्या मामला है डॉक्टर? ये मोठियापुरा आवासीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का मैं है, उसमें करीब 7-8 बच्चे हैं, छोटे बच्चे, सातवीं छठवीं क्लास की बच्चियाँ थी, उनकी सभी की पेट में दर्द की शिकायत थी। उनका यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट CHC से मौका पर दिया। एक बच्ची ऐसी है जिसका पेट में दर्द बंद नहीं हुआ, उसको दवाई देने के बाद भी आराम नहीं मिला, तो उसको हमने एक बच्ची को और 2 बच्चे और 3 बच्चों को यहाँ से रेफर करना पड़ा। बाकी 5 बच्चों को यहाँ पे इलाज हम दे रहे हैं, वो स्टेबल है। बाकी 3 बच्चों को यहाँ से हमें फूड पॉइजनिंग की शिकायत है, कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है खाने वगैरह की वजह से। ढोलपुर से जागरूक टीवी के लिए सनी खुशवा की रिपोर्ट।